जैसे ये शरीर क्या है, इसमें हार्ड मांस और रक्त, बिष्टा, पेशाब, बलगम, गंध ये लपेट कर इसके अंदर बरकर ऊपर ये चाम लपेट रखा है इसके ऊपर ऊपर ऊपर। इसने जरा सा खुरच कर देख लो अंदर के क्या कुबाड़ भरा है इसमें, ये पालस कर रखी है, हमें मूर्ख बना रखे। आपको कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, और उसकी आंतें इतने लंबे दूर तक पड़ी और वो चाम सड़क के चिपक जाता है, गोब टट्टी कहीं निकल कर पड़ी हुई है, तो पुण्यात्माओं यही जुगाड़ आप जी के शरीर में है। और हम इस काल ने हमारे को यहाँ इतना मूर्ख बना रखा है कि हम इसी शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, इसके ऊपर हर तरह से श्रृंगार करण में, फंड करण में। परमात्मा की भक्ति अगर इस मिट्टी तक कर ली तो यह मिट्टी सफल है, अन्यथा इस मिट्टी का कोई यूज नहीं। कहते हैं पशु के चाम की पातन बन जा, पातन कहते हैं जूतों को, और नौबत और नंगाड़ा, यानी पशु के चाम का ये बाजा बजाने के ढोलक ढालक भी बन जाते हैं, लेकिन नरदेह ही किसे काम ना आवे, जलबज हो जा छारा, या मनुष्य का चाम तो ये भी काम ना आवे, इतना घटिया है यो शरीर, यदि इससे परमात्मा की भक्ति नहीं की। परमात्मा की भक्ति भी सतनाम से, सच्चे नाम से, पूर्ण संत से उपदेश लेकर की जाए तब इसकी सफलता है।